हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हम लोग लिखते हैं केस सेकंड। व्हेन डेंसिटी ऑफ चार्ज मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है वो इमेजिन कर लीजिए। इस डायरेक्शन में मान लेते हैं हम लोग जो है एक्स वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हम लोग जो है एक्स एक्सिस मान लेते हैं और जेड डायरेक्शन जो है या जेड डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, क्या हो गया एक्स। अब कोई चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल का ले लेते हैं क्यू। अब इस चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है यह हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ई परपेंडिकुलर इक्वल टू वी साइन थीटा, और यह कंपोनेंट हो जाएगा वी पैरेलल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब जो है यह चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई प्लेन में मोशन स्टार्ट करेगा, लेकिन फील्ड के अलोंग कंपोनेंट होने के कारण यह फील्ड के डायरेक्शन में एडवांस करते जाएगा और इस तरह इसका मोशन जो है वह इस पाथ पे होगा। इस पाथ को हम लोग बोलेंगे हेलिकल पाथ। इसका रेडियस जो है हेलिकल पाथ का रेडियस को आर बोलेंगे। यह हमारा जो है चार्ज पार्टिकल इधर से मूव किया, फिर इधर आया, इधर मूव किया, इधर आया, इधर मूव किया, फिर इधर आया, इधर मूव किया, इधर आया, इधर मूव किया। हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये फ्रंट दिखेगा और ऊपर वाला डॉट डॉट दिखेगा, तो ऊपर वाला पीछे वाला लाइन है। इस तरह जो है यह एक स्पाइडर पाथ पर मूव करेगा, जिस तरह स्प्रिंग हो गया आपका पेन का स्प्रिंग हो गया, गाड़ी के सॉकर का स्प्रिंग हो गया, तो ये सब हम लोग यूज करेंगे इसका कैसे। अब यहाँ पर पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन में देखा है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वह स्पाइरल पाथ पे होगा, भले स्पाइरल नहीं हेलिकल पाथ पे होगा। चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो हेलिकल पाथ पे होगा, और उसके बाद हम लोग को इस हेलिक्स का रेडियस निकालना है, इस हेलिक्स के लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है और पिच निकालना है। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं। कंसीडर ए चार्ज क्यू मूविंग विथ velocity v making an angle theta with magnetic field direction
मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो है यहाँ पे दर्शा देते हैं कि बी है मैग्नेटिक फील्ड का माइनस। न्यूटन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर बराबर भी साइन थीटा द चार्ज स्टार्ट्स मोशन ऑन सर्कुलर ट्रैक बट ड्यू टू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बराबर होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बटा b
ना परपेंडिकुलर तो भी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, 2y बटा भी परपेंडिकुलर हो गया भी साइन थीटा, और आर का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल देंगे एम डी साइन थीटा, एम डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह जो है भी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वाई एम बटा क्यू बी टाइम पीरियड का यह एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जो है तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यह है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं बोलते हैं, सीधे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि यह हेलिकल पाथ के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सीधे न्यू लिखेंगे, न्यू सी नहीं लिखेंगे। तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड का वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देते हैं, 2 बाई एम बाई क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाई 2 बाई एम। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वह भी वी को कंटेन नहीं करता है, और टाइम थीटा के टाइम साइन थीटा या कॉस थीटा को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल एट विच वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड टू द चार्ज। तो हम लिख सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल या चार्ज के लिए। तीन के बाद चौथा पॉइंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सिंपली हम लोग ओमेगा डिनोट करेंगे, इसको मिटा देते हैं, यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया अपना। अब इसके बाद जो है हम लोग को पिच निकालना है, पी आई टी सी। डिफिनेशन भी हम लोग को देना है, और फिर पिच का डेरिवेशनल डिफिनेशन जो है वो भी देकर के हम लोग पिच का एक्सप्रेशन निकाल distance between
इट इज द डिस्टेंस एडवांस्ड बाय चार्ज ड्यूरिंग चार्ज इन द डायरेक्शन डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स हेलिकल अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। ये फॉर्मूला देखिए वेयर और पिच डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कौन सा स्पीड पैरेलल कंपोनेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी तो पी इज इक्वल टू हो गया वी कॉस थीटा और टाइम पीरियड का इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग निकाले थे या निकाले थे 2 पाई एम बटा क्यू डी टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ लिख देंगे कम इक्वेशन 2 पीच बराबर हो जाएगा 2 पाई एम डी कॉस थीटा बाई क्यू डी इक्वेशन नंबर अब इस पर प्रॉब्लम जो है हम लोग कल पढ़ेंगे इसलिए कल एनसीईआरटी का बुक ले करके आप लोग रखेंगे सामने।